कोलकाता अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन आज होने वाला है। देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा आज हिंदुस्तान में शुरू होने जा रही है। कोलकाता में आज इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में बंगाल वासियों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लेकिन आज नजरें केवल इस अंडरवाटर मेट्रो सेवा पर नहीं है। विकास तभी संभव है जब विकास के साथ साथ किसी भी क्षेत्र के रहने वाला नागरिक अगर सुरक्षित है। और आज इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित करेंगे तो संदेश खाली की महिलाओं का भी जिक्र उनकी बात में होगा। जी हां, एक तरफ विकास है तो विकास के साथ साथ सुरक्षा और सम्मान की भी बात होगी। आज ये दोनों तस्वीरें आप एक साथ पश्चिम बंगाल में देखेंगे। लेकिन इसका पहला हिस्सा जो अभी आप देख रहे हैं, बात विकास की हो रही है, बात डेवलपमेंट की हो रही है, बात उस अंडरवाटर मेट्रो सेवा की हो रही है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। हुगली नदी के नीचे किस तरीके से ये मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है, इसे बनने में कितना वक्त लगा, क्या क्या चुनौतियां आई, वो लगातार हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा उन मेट्रो कर्मचारियों को आप देखें जो इस वक्त यहाँ कतार के रूप में खड़े हुए हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके अथक प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और फिर पश्चिम बंगाल की आम जनता तो इसमें आपको नजर आ ही रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये सौगात देने जा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद खास है। ये देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा है जो हुगली नदी से 33 मीटर नीचे, और यानी कि जमीन से 33 मीटर नीचे और नदी से 13 मीटर नीचे ये रेल सेवा शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंडरवाटर मेट्रो में स्कूली बच्चे भी ट्रैवल करने वाले हैं। मोदी से मिलने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है। कुछ बच्चे अपनी पेंटिंग लेकर भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट देखिए। देश में पहली अंडरवाटर मेट्रो चलने वाली है और उसकी शुरुआत कोलकाता से हो रही है। कोलकाता मेट्रो की तरफ से अंडरवाटर मेट्रो जो चलाई जाएगी वो एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक चलेगी और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री खुद उस मेट्रो में ट्रैवल करेंगे और उस मेट्रो में मौजूद रहेंगे ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और ये वो पहले बच्चे होंगे या पहले अगर कहें शख्स होंगे जो कि उस मेट्रो में ट्रैवल करेंगे और एक यात्री की तरह भी इनका सफर रहेगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ मिलने का, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे इवेंट्स में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, बच्चों से बातचीत करते हैं, और इसी के लिए ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति सरकार। कैसा लग रहा है आपको आज के इवेंट में, अंडर वाटर आप लोग आज जाने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार लाइफ में पहली बार हम मोदी जी से मिलने वाले हैं और मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो में जाने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आप लोग, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। प्रतिभा, आप लोगों की सिटी में ही बन रही है अंडर वाटर मेट्रो है, कैसा आप लोग एक्साइटेड है इस चीज को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, और हम मतलब ये भी एक्साइटमेंट है कि हम अंडर वाटर मेट्रो में भी जा रहे हैं और पीएम मोदी से भी मिल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम इशिता मंडल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो में चल रही हूँ। पीएम भी वहाँ पर होंगे, कैसा एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि पीएम जी से मिले और एक नई मेट्रो में बैठने का मौका भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। हम इस वक्त महाकरण मेट्रो स्टेशन में मौजूद है। ये महाकरण मेट्रो स्टेशन एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल अगला मेट्रो स्टेशन है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रैवल करेंगे। यहाँ महाकरण मेट्रो से वो चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटन करेंगे उसके बाद वो सफर महाकरण मेट्रो स्टेशन तक करेंगे। तो ये सभी बच्चे जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए, देखिए अलग अलग तरह की पेंटिंग्स इन बच्चों के पास है, कोई दुर्गा की पेंटिंग लेकर पहुंचा हुआ है, कोई विक्टोरिया मेमोरियल बनाकर पहुंचा है, इसके अलावा किसी ने हावड़ा मेट्रो की जो मेट्रो है उसकी यहाँ पर देखिए तस्वीर बनाई है। कोलकाता के ये बच्चे हैं और कोलकाता की पहचान लेकर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति प्रसाद है और पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कमांड हॉस्पिटल से है। आप बहुत सुंदर पेंटिंग बनाकर आई है पीएम को देने की? हाँ, उनको हम अपनी कोलकाता की पहचान दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कोलकाता तो है, इतनी फेमस जगह है, बट वहाँ पे होता क्या है और क्या चीज, वो हम पहचान लेके पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत हुए।
तो आपने उन बच्चों को सुना जो बच्चे इस वक्त अब आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये स्कूली बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब भी मेट्रो सेवा को देखते हैं या किसी नई मेट्रो का उद्घाटन करते हैं तो उस वक्त वो कोशिश करते हैं जो देश का भविष्य है उनसे वो बातचीत कर सके, उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सके, देश को लेकर, उनकी अपनी प्रगति को लेकर, शिक्षा को लेकर उनकी सोच क्या है, इसे उन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके के लाइट हार्टेड टॉक्स प्रधानमंत्री कई बार करते हैं, फिर चाहे वो परीक्षा में चर्चा हो या आज मेट्रो से जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो स्कूली बच्चों से वो बातचीत कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी ये बड़ा ही उत्साहित करने वाला क्षण होता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलने का मौका आना और उनके साथ एक लंबा सफ़र करना, थपथपाते हुए अगर वो पीठ पर हाथ रख दे तो वाकई में ये क्षण, ये पल ऐसे होते हैं जो सालों तक या मैं ये तो कहूँगी हमेशा ही बच्चे अपनी स्मृतियों में अंकित करके रखेंगे ज़रूर। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मेट्रो में मोदी की सवारी और उनके साथ स्कूली बच्चों की यात्रा और हाथों में तिरंगा झंडा भी कुछ बच्चे लिए हुए हैं। अब क्या बातचीत हो रही है तो ये तो इस बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या समझाया या उनसे क्या पूछा और जवाब में उन्होंने फिर क्या कहा। ये तस्वीरें इस वक्त आप पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं। एक तरफ बच्चों से चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ आप वो तस्वीर भी देखिए, संदेश खाली की वो महिलाएं जिसके लिए ममता सरकार ये कहती है कि ये तो बीजेपी की साजिश है। शाहजहां शेख जो कोर्ट के चाबुक के बाद गिरफ्तार किया गया उसके बावजूद जिसे बचाने के लिए इस वक्त ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है, इस पर हम आगे करेंगे चर्चा। ये तस्वीर और इसके मायने भी आपको समझाएंगे लेकिन पहले बात विकास की हो रही है, पहले बात विकास की हो रही है और इसलिए हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त मौजूद है। गौनिका, आपने तो इस मेट्रो का एंजॉयमेंट भी कर लिया, पूरा ट्रैवल लुत्फ भी उठा लिया, जरा अपने दर्शकों को बताएं किस तरीके से ये मेट्रो आगे काम करने वाली है, बच्चों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना उत्साह है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये पहली अंडर वाटर मेट्रो और यही वजह कि उत्साह बहुत ज्यादा है। पहले पीएम का प्लान था कि वो एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ महाकरण मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे लेकिन क्योंकि अंडर वाटर का एक्सपीरियंस जाहिर तौर पर पीएम भी लेना चाहते हैं, यही वजह कि पीएम बच्चों के साथ अब हावड़ा तक ट्रैवल करेंगे और हावड़ा जहां पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से पानी जहां जाए, यानी कि जब हम हुगली रिवर के नीचे ट्रैवल करते हैं तब आपको आसपास ब्लू पूरा दिखाई देगा, यानी कि ब्लू लाइट होगी तो आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मेट्रो इसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए बच्चों के बीच में उत्साह है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ये पहला बच्चों का एक्सपीरियंस है कि वो अंडर वाटर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, पहली मेट्रो बनी है जो अंडर वाटर है। देखिए आमतौर पर जब वक्त लगता था, जब आपको हावड़ा नदी को क्रॉस करना होता था तो ट्रैफिक के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाता था क्योंकि इतना जाम कोलकाता में रहता है, लेकिन अब वही सिर्फ 1 से कम मिनट में भी आप उतना डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन यानी 5 से 6 किलोमीटर का वो डिस्टेंस अब आप हुगली नदी के नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं। आपको बताया गया हुगली नदी के नीचे इस वक्त जा रहे हैं, वहां से नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चों में उत्साह है, बात करते हैं, क्या नाम है आपका, कैसा लग रहा है आपको अंडर वाटर ट्रैवल? हाँ, मेरा नाम श्रीजा शर्कर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल से आए हैं और ऐसा लग रहा है कैसे पहली बार अंडर वाटर ट्रैवल करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम पहला पैसेंजर है इस मेट्रो में, हम लोगों को बहुत अच्छा ब्लेस्ड फीलिंग हो रहा है। पीएम भी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी खुशी है, बहुत एक्साइटेड है। आप लोग यहाँ पर आए, आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बातचीत का सिलसिला है, ये बातचीत का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक अगला स्टेशन नहीं आ जाता, तब तक बच्चों के मन में जो कुछ भी है हर उस सवाल का शायद निराकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइट हार्टेड टॉक्स के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे के विषयों पर बात करना, बड़ों के साथ बड़ों के विषय पर बात करना, महिलाओं के विषय पर बात करना, आज वही तस्वीर हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है। गौनिका, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, बच्चे कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल
बिल्कुल मीनाक्षी, ये हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं और वही तस्वीर आज हमने कोलकाता में देखी। और प्रधानमंत्री का खासतौर पर चुनाव से पहले कोलकाता आना बहुत बड़ा संदेश है मीनाक्षी, क्योंकि 15,400 करोड़ की परियोजनाएं एक तो कोलकाता के लोगों के लिए दी जा रही है, इसके साथ साथ अंडर वाटर मेट्रो चल रही है, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश है। और अब से कुछ ही देर में हम वहां पर पहुंचेंगे जहां पे अंडर वाटर यानी कि वो ब्लू लाइट यानी कि वो एक्सपीरियंस फील दिया जाएगा, वो फील दिया जाएगा कि आप पानी के नीचे ट्रैवल करें। और उसी को देखने के लिए देखिए बच्चों में उत्साह है, ये देखिए मीनाक्षी, वो ये देखिए आप बिल्कुल, हम इस वक्त हुगली नदी के नीचे हैं, हुगली नदी के बेस से भी 16 मीटर नीचे ये मेट्रो इस वक्त चल रही है। और इसका एक्सपीरियंस देखिए तो किस तरीके से मिलता है कि आप पानी के अंदर है, पानी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फायदा ब्लू लाइट के जरिए उसको सिग्निफाई किया गया है, अब आप हुगली नदी के नीचे हैं। हालांकि ऐसा जो लोगों में एक संकोचन रहता है कि पानी के बीच में मेट्रो चलेगी, ये पानी के बीच में नहीं बल्कि पानी से भी और नीचे है, यानी कि आप जो सोच नहीं सकते हैं, इंजीनियर्स वो सवाल करके दिखाया। देखिए बकायदा पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है, जो वाटर बॉडीज होती है उनकी पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई है। देखिए बच्चे यहाँ पर मौजूद है, उनमें कितना उत्साह है इस चीज को लेकर, कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप अंडर वाटर आ चुके हैं यहाँ, आप देख रहे हैं, आप वो फील ले रहे हैं इस टाइम। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी इसी मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। 16.6 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया गया है जो कि पूरी तरीके से अंडर वाटर ट्रैक बिछाया गया है, और दो ट्रैक है आप ये समझ ही रहे हैं, एक मेट्रो जाने के लिए और एक आने के लिए। तो ये ट्रैक जो है वाकई में ये भारत के विकास का भी एक ट्रैक है, ये मेट्रो की शानदार इतिहास और शानदार भविष्य का ट्रैक है जिस पर इस वक्त अंडर वाटर मेट्रो ट्रैवल कर रही है। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये मेट्रो सेवा देने वाले वो कर्मचारी हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ इसकी खासियतों के बारे में बेशक चर्चा कर रहे होंगे। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, आपको बता दें बोरिंग मशीनों के नाम पर कंपनी के कर्मचारियों की बेटियों का नाम दिया गया है, ये बड़ी ही दिलचस्प जानकारी है। आपको बता दें जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियां मिली थी, अब जैसे अगर हम ये कहें कि पहली चुनौती तो यही थी कि बहुत नीचे तक जाकर खुदाई करनी थी और खुदाई के लिए सही मिट्टी का चुनाव भी करना था, इसके लिए TBM 50 का भी ध्यान में रखना था,